तो वही स्कूल में सिर्फ बैक अगेन विद वीडियो। और मेरे भाई लिटरली मैं डाल रहा हूँ 18 से 19 दिन के बाद वीडियो। उसका रीजन बस एक ही था, कुछ लोगों को पता होगा जिसने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है, तो भाई मेरे को जो है कोरोना हो गया था। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब जो है मैं टोटली रिकवर हो चुका हूँ और अब जो है रेगुलर वीडियोज आया करेंगी। तो अब जो है आज बात करने वाले अपन BGMI के बारे में और कुछ काफी ज्यादा ओपी वाली चीजें, बहुत ही बढ़िया वाली चीजें। और सबसे पहले चीज आप सभी लोगों को पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो MLA है उन्होंने जिस टाइप का लेटर लिखा था उसी टाइप का एक और लेटर लिखा है। और इन्होंने जो लिखा है ये कुछ गलत नहीं लिखा है। गलत मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बैन होना चाहिए, वो ऑब्वियसली बात है बैन हो ही नहीं सकता। इन्होंने लिखा है भाई कंफर्मेशन के लिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि भाई एक बार बस कंफर्म करा लो कि सब चीजें सही है, इसमें चाइना का कोई हाथ तो नहीं है। तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइनीज कंपनी का कोई हाथ ही नहीं, मतलब चाइना का कुछ है ही नहीं भाई, चाइना का सी भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ सर्वर का भी ऑलरेडी उन्होंने कंफर्म कर दिया, इंडिया और सिंगापुर के बीच में ही होगा, मतलब मेनली तो इंडिया में ही होगा और जरूरत पड़ी तो सिंगापुर के भी सर्वर यूज किया जाएंगे। उसके अलावा कहीं पर कुछ नहीं होने वाला है, मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि हमारा जो गेम है वो ना ही डिले होगा और ना ही उसमें आगे चल के कभी कोई दिक्कत आने वाली है। लिटरली कभी जिंदगी में कभी बैन नहीं हो सकता, एक बार बस हमारा BGMI आ जाए। और भाई अगर बात करें गेम के फर्स्ट लुक के बारे में, तो कल हमें जो है यूट्यूब पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर हमें जो है कल गेम का फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता होगा कि गेम की जो लॉन्च डेट है उसको लेकर के बहुत से कंफ्यूजन चल रहे, तो उसके बारे में भी आप सभी लोगों को बता दो कि जो गेम की जो लॉन्च डेट है वो हमें गेम का जो फर्स्ट लुक होगा उसी के अंदर पता चल जाएगी। और जितना मुझे पता लगा है जो गेम की लॉन्च डेट है वो 15 से लेके 18 के बीच में होने वाली है। बाकी अगर मेरे भाई कल आता है गेम का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है, तो कल गेम के फर्स्ट लुक के अंदर जो हमें शायद हो सकता है 90% चांसेस है कि जो गेम की जो लॉन्च डेट है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब बहुत ही जल्द गेम आने वाला है, मतलब भाई उंगलियों पे गिनने जितने दिन रह गए इतने ही दिनों में हमारा जो गेम है वो आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता होगा कि रॉयल पास को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था, तो अब पता चल ही गया है कि भाई season 1 से स्टार्ट होने वाला है और इस बार का जो season 19 है उसको season 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ अलग नहीं आएगा, ये नहीं होगा कि भाई उधर season 1 है तो उधर season ही अलग कर दिया, एग्जैक्टली सेम रहेगा। जितनी आपकी RP है, जितना आपके मिशन हो चुके हैं, जितने सब कुछ है ना, सब कुछ एग्जैक्टली उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एग्जैक्टली आपको उधर देखने को मिलेगा। और मेरे भाई कुछ न्यू चीजें जो हमें देखने को मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ भाई आप सभी लोगों को पता है कि जो डेटा ट्रांसफर है, मतलब सब लोगों को पता है कि एक ऑप्शन आएगा कि भाई डेटा ट्रांसफर करो, और डेटा ट्रांसफर करो मतलब आपका जो अकाउंट है वो BGMI मतलब PUBG मोबाइल टू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर जो भाई देखने वाली बात ये है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि भाई जिस दिन गेम आएगा उसी टाइम इमीडिएटली जो है PUBG मोबाइल के अंदर आपको ऑप्शन आ जाएगा आपके ग्लोबल ID के अंदर कि आप जो है भाई उधर ट्रांसफर कर दो, आप एक क्लिक करोगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो जी हाँ मेरे भाई, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये समझ लो आप 1 या 2 दिन का टाइम लग जाएगा गेम आने के बाद। और जो आप जो गेम ट्रांसफर करोगे वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें भी कुछ टाइम लगने वाला है। मतलब ये नहीं कि आपने इधर से बटन दबा दिया PUBG मोबाइल से कि भाई अकाउंट जो है ट्रांसफर करना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में और वो ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। और मेरे भाई आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों के अकाउंट जो है जो थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की वजह से जो है बैन हुए थे, उनको जो है यहाँ पर एक मौका मिलने वाला है कि अपना जो अकाउंट है वापस एक बार रिकवर किया जाए, मतलब उनका जो अकाउंट है वो वापस आ सकता है। लेकिन ये जो चीज है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि भाई जिन लोगों का जो थर्ड पार्टी की वजह से बैन हुआ था वो उनका जो अकाउंट है वो उन्हें वापस एक बार मिलने वाला है। तो देखते हैं मेरे भाई क्या क्या चीजें होती है और इंतजार करते हैं कल अगर गेम का फर्स्ट लुक आता है। तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब हमारी जो सब्सक्राइबर की गाड़ी है ना यार वो 1 साल से एक ही जगह पे अटकी है। मुझे पता है भाई मैं कैसे कैसे सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।